अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी टाइम मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। इंसान इतने सालों से धरती पर रहते आ रहे हैं, पर हम लोगों ने धरती पर लगभग सब जगहों को एक्सप्लोर कर चुके हैं कुछ को छोड़कर, और इसी दौरान हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। पर कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं इस धरती पे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। आइलैंड यानी टापू, इस वर्ड को सुनने के बाद आपके मन में सुंदर से जगह आ रहा होगा जहाँ लोग घूमने जाते हैं, पर इस दुनिया में ऐसे आइलैंड्स हैं जो आपको सोचने में मजबूर करेगी। सो लेट्स एक्सप्लोर द मिस्टीरियस आइलैंड्स। सकोट्रा आइलैंड इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में मौजूद ये एक ऐसा आइलैंड है जिसकी बातें सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरी दुनिया का टापू है। लोगों का ये मानना है कि जिस हिस्टोरिकल गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र किताबों में है वो यही है। इसके असली पिक्चर को देखकर ही आप ये कह सकते हो कि इसे रहस्यमय क्यों कहा जाता है। इस आइलैंड में आपको ऐसे ऐसे पेड़ पौधे दिखेंगे जो कि धरती पर और किसी भी जगह पर नहीं पाया जाता। यहाँ पर आपको ऐसे पेड़ दिखेंगे जो कि बहुत बड़ा वेजिटेबल जैसा दिखता है। इतने अजीब से मोटे ट्रंक वाला पेड़ दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। इसका ट्रंक तो मोटा होता है पर इसकी डाली बहुत छोटी होती है और एक अजीब सा पिंक कलर का फ्लावर उगता है। और ये एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे वाले ये ट्रंक तो नॉर्मल है पर इसके ऊपर जो ब्रांचेस है वो ऊपर आके हजारों पार्ट्स में बट गए है। कुछ थ्योरीज का ये कहना है कि ये किसी एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है, और कुछ का तो ये मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट्स एलियंस ने किया है, और कुछ ये मानते हैं कि ये इंसानों के रहस्यमय ग्रुप ने यहाँ के वातावरण के साथ छेड़छाड़ की है। पेड़ के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे बर्ड्स यानी पंछियां भी पाई जाती है जो कि पूरी धरती पर और कहीं नहीं पाई जाती। अजीब बात ये है कि दुनिया में जितने भी पेड़ जानवर या पंछियां होती है वो जगह जगह पर पाई जाती है, और ज्यादातर केस में एक ही तरह की पंछियां दुनिया की कई पार्ट्स में पाई जाती है। पर ये उन रेयर जगहों में से है जहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे पंछियां मौजूद है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती। और इसके साथ साथ इस आइलैंड के आसपास बहुत सारे जहाजों के टूटे मलबे भी पाए गए हैं, और ज्यादातर जहाज जो इस जगह पर जाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो जाता है। पोहिजलिया आइलैंड इस दुनिया की सबसे डरावनी आइलैंड में से एक है। इसकी सच्ची कहानी बहुत ही डरावनी है। इसे दुनिया की सबसे भूतिया जगह भी कहा जाता है। 14th सेंचुरी में इटली के वेनिस नाम के एक जगह में एक बीमारी फैली थी, और ये बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग नाम से जानी जाती है। उस समय जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हुए थे उन लोगों को वेनिस की सरकार पास के एक आइलैंड में भेज देती थी जिसका नाम था पोहिजलिया, ताकि ये इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल पीपल से दूर रहें और ये बीमारी ना फैले। उस समय मेडिकल सर्विसेज इतनी डेवलप नहीं थी जो वो आज है। कुछ दिनों बाद ये बीमारी खत्म हो गई, पर इस आइलैंड की हवा में अभी तक इस बीमारी की वायरस थी। ये जगह मैली हो चुकी थी, इसीलिए इस जगह को ऐसा सेंटर बना दिया गया जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग रह सकें। और इसके बाद कोई भी बीमारी फैलती थी तब उन लोगों को इस आइलैंड में भेज दिया जाता था, पर 1920 के बाद इस जगह को एक मेंटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। पर जो भी डॉक्टर्स वहाँ रहते थे वो ये रिपोर्ट करते थे कि जिस बिल्डिंग में सालों पहले इन्फेक्टेड लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था उनकी आवाजें इन्हें आज भी सुनाई देती है। खांसता हुआ पेशेंट, चिल्लाता हुआ पेशेंट, ये सब सुनाई देती थी। रात को जब कोई सो रहा होता था तब उन्हें ये आवाजें सुनाई देती थी। 1968 में उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, और इतनी अजीब घटनाओं के चलते एक बहुत ही मिस्टीरियस सी घटना हुई। रात के टाइम में एक बिल्डिंग के सामने एक बार एक इंसान फोटोग्राफी कर रहा था, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो ये कहती है, चले जाओ और कभी वापस मत आना, गो लीव दिस प्लेस एंड नेवर कम बैक। यहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हुई है। एक मछुआरा अपनी जाल में मछली पकड़कर एक जगह पे रखता है तब उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो वापस आता है तब उसे उसकी जाल में एक डेड बॉडी मिलती है। घोस्ट एडवेंचर नाम का एक टीवी शो है जिसमें वो जगह जगह हॉन्टेड प्लेस में जाकर एक रात गुजारते हैं। तब ये खबर भी फैली थी जो उस टीवी का होस्ट था उसके अंदर थोड़ी देर के लिए एक आत्मा घुस गई थी। इटालियन टूरिज्म ब्यूरो इस प्लेस को पब्लिक से दूर रखने के लिए आम लोगों को वहां जाने से मना किया है। वहां पर जाने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशंस का सामना करना पड़ेगा, पर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो वहां रिसर्च करने जाते हैं।